जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शरीफ ख़ानदान के लिए एक बड़ी मुश्किल आन टपकी है। हुकूमत ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि वफाकी वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया है। ये बड़ी ख़बर है कि शहबाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है। नाज़रीन, ये बात भी आपको वाजह करती चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, ताहम 8 मई को हुकूमत ने उन्हें जाने से रोक दिया था। बुध के रोज़ वफाकी काबीना की ज़िली कमेटी ब्राय एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट ने इनका नाम ECL से शामिल करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद ये मामला वफाकी काबीना को भेजा गया था। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। मजीद शेख रशीद ने यह भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी तो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि हुकूमत को खौफ है कि अगर वो बाहर चले गए तो उनका वापस आना बहुत मुश्किल है। शरीफ ख़ानदान के 5 अफराद पहले से मफरूर हैं और लंदन में बैठे हैं। इनके खिलाफ मुकदमे में 5 अफराद सरकारी गवाह बन गए हैं। ये थी लोकल व्यूज़ अपडेट। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल लोकल व्यूज़ TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें।